अब हम पढ़ेंगे समास का। कल भाग एक हो गया था, भाग एक में आपने आपको बता दिया था, अब आपका चलेगा भाग दो, पार्ट दो चलेगा समास का। हमने भाग एक में आपको क्या क्या कौन सा समास बताया था, अब यही भाव समास, अब यही भाव समास हमने बताया था। दूसरा हमने बताया कर्मधारय समास, दो समास की चर्चा हमने कल कर दिए थे। आगे आज हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे एक नया समास जिसका नाम है द्वंद्व समास। अब हम अध्ययन किसका करेंगे, द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास समझिए आप कि द्वंद्व समास क्या है, पहले द्वंद्व समास के संबंध में समझिए। द्वंद्व समास जो होता है इसका दोनों पद प्रधान होता है। पहली बात कि द्वंद्व समास का दोनों पद, और दोनों पद का मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, इसको ध्यान रखिएगा, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, प्रधान। प्रधान का मतलब होता है मुख्य हो, मुख्य, दोनों घूम के मुख्य हो, यही है द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच या अथवा और का लोक, लोक का मतलब होता है छुप छुप जाए, या अथवा और का क्या होता है लोक होता है। अब हम जैसे कह दें माता पिता, माता पिता देख रहे हैं कहीं, इसमें दोनों मुख्य, माता भी मुख्य हैं और पिता भी, दोनों का स्थान मुख्य है। अब ये कह रहे हैं, अब इसका अगर विग्रह करें तो हम कहेंगे माता या पिता, या का लोक है या इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो माता या पिता, या हम क्या कह सकते हैं माता अथवा पिता, ये भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं माता और, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। इस आधार पर ध्यान रखिए, इसमें हम कह सकते हैं माता या पिता, माता अथवा पिता, माता और पिता ना? तो हमने कहा कि जिस समाज का दोनों पद क्या हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या हो, प्रधान हो पहली बात, और उनमें जो है या अथवा और का क्या हो लोप हो, या अथवा और का लोप होगा तो वहां पे समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। नहीं पता, आप देखिएगा द्वंद्व समास की पहचान, थोड़ा सा द्वंद्व समास की पहचान देख लीजिए, इसकी क्या पहचान है, सीधा सीधा पहचान देखिए, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहली बात इसकी पहचान है, द्वंद्व समास की जो पहली पहचान है ये होता है कि दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत। हाँ सर, हेलो, हाँ सर, बस समान है, आधे घंटे मारे क्लास ले रहे हैं। क्या बताएं, दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं, पहली पहचान ये है कि दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होता है, और दूसरी बात ये है कि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो है लगा होता है। तीसरा क्या है कि दोनों प्रायः एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, दोनों प्रायः एक साथ प्रयुक्त होने वाले
शब्द होते हैं, ये फिर से समझिए एक बार फिर से समझिए इसको, अभी कंफर्म हो जाएगा आप लोगों का। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहा जाता है, जिस समास का दोनों पद का मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, दोनों पदों के बीच या अथवा और का क्या हो, लोप हो। जैसे मैंने कहा माता पिता, तो माता पिता हमने लिख दिया, तो इसको विग्रह करेंगे तो ये होगा माता या पिता, या कहेंगे माता अथवा पिता, या कहेंगे माता और पिता। तो यही तीनों का क्या रहा, लोप रहा इसके विग्रह में, समझ रहे नहीं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, हमने इसकी जैसे हमने लिखा माता पिता, तो हमने इसकी पहचान हमने बताया कि आप कैसे पता पाएंगे। मान लीजिए आप नहीं समझ रहे हैं कौन सा पूर्व पद प्रधान है, कौन सा उत्तर पद प्रधान, प्रधानता करना आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप सीधा सीधा इसकी पहचान को ध्यान में रखेंगे। पहचान यदि आपको अच्छे से याद है, निश्चित रूप से आपका समास कभी गलत नहीं होगा। देखिए करें, दोनों पद एक दूसरे की कहाँ होगा, विपरीत होगा। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट ना। देखिए माता का अपोजिट क्या होगा, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत है। जब दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हो जाता है तो वहां पे 100% कौन सा समास हो जाता है, समास हो जाता है। दूसरा देखिएगा, कह रहे हैं दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, जरा योजक चिन्ह के बारे में देख लीजिए। योजक चिन्ह इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है हाइफ़न का चिन्ह, यह अंग्रेजी में भी है हाइफ़न का चिन्ह, एक से छोटी से ऐसे ऐसे रहता है, बीच में ऐसे लगता है, यही है आपका योजक चिन्ह, इस तरीके से बीच में लगता है ये चिन्ह। और यह जो योजक चिन्ह होता है यह कहाँ लगता है, जब शब्द एक दूसरे के विपरीत होता है तब उसके बीच में क्या कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह, पहली बात। दूसरी बात, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हो, पुनः कोई शब्द आ जाए, इसे कहे धीरे धीरे, तब भी उनके बीच में चिन्ह कौन सा प्रयोग होता है, योजक चिन्ह। ये आपको योजक चिन्ह के बारे में आपका TET 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। एक कोई शब्द लिखा था धीरे धीरे शायद लिखा था, उसमें पूछा था कि इन जो दोनों के बीच जो चिन्ह प्रयोग लिखा था, धीरे धीरे लिखा था, अब पूछा था वो प्रश्न में कि इन दोनों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया गया है, क्योंकि हम चिन्ह बताएंगे, जब आपको विराम चिन्हों बताएंगे तो आपको अलग से टॉपिक है चिन्हों का, लेकिन आप यहाँ समझिए कि योजक चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। जब शब्द एक शिक्षक दे देगा, पूछा था कि TET 2011 में पूछा था इसमें, इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है, इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है, योजक चिन्ह। कन्फर्म होगा, कैसे पता पाएंगे कि योजक चिन्ह प्रयोग किया गया है, तो योजक चिन्ह के संबंध में ये समझिएगा, जो योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह दो तीन कंडीशन में लगता है। पहले कंडीशन में कहाँ लगता है, जब शब्द एक दूसरे के विपरीत हो तब कौन सा चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पुनः हो जाए तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह। तीसरी बात, ये जगह पर लगता है कि तुलनावाचक वाक्य में, तुलनावाचक वाक्य में जैसे कहें चांद सा मुखड़ा, अब चांद सा मुखड़ा कह रहे हैं तुलना हो रहा है, मुखड़ा कैसा है, चांद सा, कैसे जैसे कह दें चांद सा मुखड़ा, मुखड़ा कैसा है, चांद सा, इसमें सा सी के पहले भी लगता है। अब कह रहे हैं चांद सा मुखड़ा मतलब सा सी के पहले, ये भी आपका योजक चिन्ह, योजक चिन्ह तीन कर, तो इसमें आपका जहाँ लगता है कि एक शब्द दूसरे के विपरीत होता है इसी पहचान में, और दूसरी बात ये है कि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होगा। और देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ नहीं, देख रहे हैं कि योजक चिन्ह। आगे देखिए, दोनों प्रायः एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द भी होते हैं, जैसे माता पिता प्रायः एक शब्द साथ प्रयुक्त होते हैं ना, तो इस तरीके से जो है ये इसकी क्या रहा पहचान। अब देखिए इसके और उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखिए, जैसे हम कह दें आगे पीछे, आप पूछा जाए इसमें कौन सा समास है, कौन सा समास है, कैसे पता पाएं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, ठीक। अगर यो और इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह, तो मान लीजिए अव्यय भाव समास में भी लगेगा, लेकिन योजक चिन्ह कितना ध्यान रखिएगा, जितना ध्यान आप कहाँ रखेंगे, दोनों शब्दों के विपरीत पे, विपरीत तो आपको हमेशा होना चाहिए। जैसे आप एक पूछा था प्रश्न डायरेक्ट प्रवक्ता में, लिखा था धर्मा धर्म, ये डायरेक्ट प्रवक्ता पूछा था धर्मा धर्म, पूछा था कौन सा समास है, तो अब आप ऐसे नहीं बता पाएंगे, इसको क्या करेंगे, संधि करेंगे इस पे, तो क्या लिखा जाएगा,
धर्म और प्लस अधर्म। अब कन्फर्म हुआ धर्म धर्म को धर्म धर्म का मतलब होता है धर्म और अधर्म। अभी कन्फर्म हुआ नहीं धर्म और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जैसे कह दें नदी नाला भाई, नदी का विलोम क्या है? नाला भाई। नदी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी, नाला छोटा लंबा चौड़ा, छोटा लंबा चौड़ा। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। जैसे कह दें कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है भाई। कपड़ा बड़ा होता है, लत्ता छोटा होता है, ये भी एक दूसरे की क्या है? विपरीत है। कन्फर्म हुआ। जैसे कह दें ठंडा गरम, अब बताओ ठंडा गरम एक दूसरे का अपोजिट है, समास कौन सा है? द्वंद्व समास। जैसे कह दें भाई बहन, कौन सा समास है? कन्फर्म हुआ। अब तुम समझ रहे हैं कि आप समझ गए होंगे इसको ना। अब जितना भी है इसे कहते हैं माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, फूफा फूफी, ताऊ ताई, जितना है सब में समास कौन सा है? सब में समास है। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे समास कौन सा है? कन्फर्म हुआ। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्राय एक साथ प्रयुक्त होने वाले, दोनों पदों के बीच में चिन्ह कौन सा लगा होता है? योजक। कन्फर्म हुआ। चलिए आपका ये समास हो गया, कौन सा? बहुत आसान समास है, सबसे आसान समास अगर है वो द्वंद्व समास है। आप सीधा तुरंत पकड़ पा जाएंगे इसमें कौन सा समास होगा। आगे का समास देखिएगा जो नेक्स्ट है, दीर्घ समास। दीर्घ समास, अब दीर्घ समास किसे कहा जाता है? तो दीर्घ समास के बारे में समझिएगा कि इसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। संख्यावाचक मतलब इसमें समझिए कि गिनती किस तरीके का हो, गिनती हो। दीर्घ समास जिस समास का प्रथम पद अर्थात पहला पद क्या हो? संख्यावाची। संख्यावाची का मतलब होता है गिनती, गिनती काउंट हो, नंबर हो, संख्या हो, संख्या हो। और ध्यान रखिएगा द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या हो? संज्ञा। द्वितीय पद क्या हो? संज्ञा। और देखिए विग्रह करने पर, विग्रह का मतलब क्या होता है? विग्रह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है विग्रह? समास के नियमों से बने पद को उसकी पूर्व अवस्था में लाना ही समास विग्रह कहलाता है। देखिए विग्रह जब करेंगे तो क्या होता है? समूह या समाहार का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह या समाहार का बोध होता है। कंफर्म होगा। अब देखिए जैसे देखिए हम कह दें नवग्रह, नव देखिए प्रथम पद क्या है आपका? संज्ञा, सॉरी संख्या, नंबर है, देख रहे हैं नहीं? नौ मिल गया, आप जान गए कौन सा है? दीगू। कन्फर्म हुआ। अब देखिए इसके तोड़ेंगे तो नौ ग्रहों का समूह मिला नहीं, समूह की बात। तो पहले आप संख्या मिल जाए तो आप बंद करके बता दीजिएगा कौन सा समास है। जैसे कब दें सप्ताह, ठीक है सप्त माने सात, सात मिला कौन सा समास है? दीर्घ समास। कन्फर्म हुआ। जैसे कहें, जैसे कहें पंचायत,
पंच मिला जैसे का ने शताब्दी नहीं सौ वर्षों का समूह जैसे कहें दशाब्दी दस वर्षों का समूह कथन होगा इस तरीके से सबने समास कौन सा है दीर्घ समास कथन होगा जैसे कह दें चौराहा ये बहुत फेमस है ये कई बार पर चौ पूछा जा चुका कि चौराहा में कौन सा समास है तो चौ माने चार जैसे कहें तीराहा जैसे कहें त्रिकोण में तीन राहों का समूह तीन कोड़ों का समूह जैसे कहें चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह कन्फर्म हुआ तो इसमें भी कौन सा समास है दीर्घ समास है कन्फर्म हुआ जैसे हम कह दें जैसे कहें दशानन दस माने दशानन माने मुख दस मुखों का समूह कौन सा समास है कन्फर्म हुआ इस प्रकार से समास कौन सा है इन सब में जैसे कहें सप्त सिंधु सात सिंधुओं का जैसे कहते पंचवटी पांच वटों का समूह कन्फर्म हुआ जैसे लिख दें चवन्नी चवन्नी तो चार आनों का अठन्नी आठ आनों का कन्फर्म हुआ तो जहां संख्या की बात आ जाए प्रथम पद यदि संख्या वाची हो गिनती हो तो उसमें समास कौन सा होता है दीर्घ समास कन्फर्म हुआ बिठाए अब देखिएगा अब जो नेक्स्ट है आपका वो है बहुव्रीहि समास कौन सा है बहुव्रीहि समास ध्यान रखिए बहुव्रीहि समास किसे कहा जाता है तो पहली बात ये है बहुव्रीहि समास का दोनों पद अप्रधान होता है क्या होता है अप्रधान दोनों पद इसके क्या होते हैं अप्रधान होता है मुख्य नहीं होता दोनों पद और देखिए इसके साथ साथ होता क्या है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं ध्यान रखिएगा ये पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर उसके जो देखिए पहली बात समझिएगा जो ये आपका बहुव्रीहि समास है बहुव्रीहि समास होता क्या है बहुव्रीहि समास के दोनों पद जो होते हैं वो क्या होते हैं अप्रधान अर्थात मुख्य नहीं होता दोनों पद क्या होता है अप्रधान और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे को ओर दर्शाते हैं तो वहां पे कौन सा होता है बहुव्रीहि समास होता है कन्फर्म हुआ देखिए जैसे हम आपको बताएं पीतांबर अब पीतांबर है अब जब इसको देखें तो करेंगे कहेंगे पीत माने पीला अंबर माने वस्त्र पीत माने पीला अंबर माने वस्त्र करें जिसका वस्त्र पीला हो कौन कृष्ण दोनों पद मिलकर के किसको दिए किस की ओर संकेत कर रहे हैं करें पीतांबर जिसका वस्त्र पीला हो अर्थात जैसे कहें चक्रपाण तो चक्र माने चक्रपाणि माने हाथ जिसके हाथ में चक्र हो कृष्ण या
जैसे कहें त्रिनेत्र, त्रिनेत्र जिसके तीन नेत्र हो अर्थात खत्म होगा। जैसे लिखे वीड़ापाण, वीड़ापाण, वीड़ा माने वीड़ा, पाण माने हाथ, जिसके हाथ में वीड़ा हो अर्थात सरस्वती। हाँ बता रहे हैं, उसी चीज को बता रहे हैं। जैसे क्या दें दशा नन, दशा नन तो दस माने दस, आनन माने मुख, जिसके दस मुख हो अर्थात रावण। जैसे कहें द्विरद, द्वि माने दो, रद माने दांत, जिसके दो दांत हो अर्थात हाथी। ठीक रहे ना, इस कौन सा समास है सब में बहुव्रीहि समास ना। लेकिन देखिए इसका और इसके साथ रिलेशन थोड़ा सा देख लीजिए, द्विगु समास का बहुव्रीहि समास के साथ रिश्ता क्या है। कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें बहुव्रीहि और द्विगु समास दोनों का होने के चांसेस होते हैं। जैसे हमने कहा दशानन, तो दशानन हमने बताया दस, देखिए आनन माने मुख, दस माने दस, दस अर्थात दस मुखों का समूह, दस मुखों का समूह, तो दस मुखों का समूह है तो इसमें समास कौन सा रहा दिख रहा। लेकिन साथ ही साथ करें दशानन, दस माने दस, आनंद माने मुख, जिसके दस मुख हो अर्थात रावण। अब देखिए अब जब दोनों ऑप्शन में आ जाए तो वहां सामान्य रूप से हम किसको मान्यता देते हैं, बहुव्रीहि समास को मान्यता देते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, वहां दिख को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप बहुव्रीहि समास ये को मान लीजिए, बहुत सारे लड़के कहते हैं बहुव्रीहि समास ही बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास तो रट लिए बहुव्रीहि समास, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास का एग्जांपल ही नहीं दिया, उदाहरण ही नहीं बहुव्रीहि समास का दिया कि उदाहरण, तो अब आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे हेलो क्लास में भाई। ये देखिए तो इस आधार पे जब भी कहीं को हो कंडीशन तो वहां पे मान्यता किसको दिया जाता है, बहुव्रीहि समास को। आप ये समझिए कभी कभी इस तरीके से अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए देखिए कौन सा ऑप्शन कह रहे थे आप, त्रिनेत्र। जैसे त्रिनेत्र कह दें तो तीन नेत्रों का समूह, तीन नेत्रों का समूह। अब तीन नेत्रों का समूह अगर कहा जाए तो द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों है। लेकिन अगर जब दोनों ऑप्शन रहेगा तो वहां पे किसको देते हैं, बहुव्रीहि समास को महत्व देते हैं। कन्फर्म हुआ। अब जैसे पीतांबर ही है, अब कह रहे हैं कि पीत माने पीतांबर, देखिए अब वस्त्र की विशेषता बताइए, वस्त्र कैसा है, वस्त्र कैसा है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय का इसके साथ रिलेशन देख लीजिए, कई कुछ समास ऐसे होते हैं, कुछ सामासिक पद ऐसे होते हैं जिसमें कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम बहुव्रीहि समास को महत्व। अगर आप को रट लिए बहुव्रीहि समास है पीतांबर में, हो सकता है परीक्षा में आपको बहुव्रीहि समास का ऑप्शन मिले हो, तब क्या करेंगे, तब तो कहेंगे कि सर यही बताए हैं अपना, रट के बैठे हैं ऑलरेडी पहले से, तो वहाँ पर समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास। कन्फर्म हुआ। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो वहाँ बहुव्रीहि समास को महत्व देते हैं, और बहुत विवाद की स्थिति में क्या होगा, जो आयोग उसको मानेगा होगा। कन्फर्म हुआ। तो आप इस चीज को समझिएगा कि बहुव्रीहि समास जिस समास का दोनों पद क्या होता है, अप्रधान हो, पहली बात, जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो, साथ ही साथ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे तो निश्चित रूप से वहां समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। कन्फर्म हुआ, कन्फर्म हुआ। आगे देखिएगा तत्पुरुष समास, नीलकंठ है, कह रहे जिसका कंठ नीला हो अर्थात शिव, कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। कन्फर्म हुआ। जैसे कह दें प्रधानमंत्री, जैसे कहें प्रधानमंत्री, देखिए मंत्री कई होते हैं, जो मंत्रियों में प्रमुख होता है वही कौन कहलाता है, मंत्री कई प्रकार के होते हैं ना,
लेकिन जिन मंत्रियों में जो प्रमुख होता है वही क्या कहलाता है? एक विशेष स्थान रखता है प्रधानमंत्री, मंत्रियों में श्रेष्ठ हो जो, तो इसमें कौन सा समास है? बहुवरी समास कन्फर्म हुआ। ये पूछा गया है आपके टीटी परीक्षा में किसी पेपर में, ठीक है आगे देखिएगा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? तो वह समास जिसका उत्तर पद, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच लगने वाला कारक चिन्ह अर्थात विभक्तियों का लोप हो, विभक्तियों का लोप होता है वही आपको क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। अब ध्यान रखिएगा जो तत्पुरुष समास होता है यह छह प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? छह प्रकार का। कौन कौन से प्रकार हैं? छह। कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ध्यान रखिएगा इसको जो के अभी हम लिख दे रहे हैं, इनका जरा कहीं इनका जरा इधर, हाँ चलिए, इसे जो है द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे तृतीय तत्पुरुष भी कहा जाता है, तृतीय तत्पुरुष। इसको चतुर्थी, इसको पंचमी, इसको षष्ठी, इसको सप्तमी तत्पुरुष भी कहा जाता है। कन्फर्म हुआ? देखिए इसके जो कारक चिन्ह है कौन कौन से कारक चिन्ह है? कारण से, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, अपादान से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अलगाव। क्या होगा? अलगाव। और संबंध में क्या होता है? का की के। अधिकरण में क्या होगा? में पर पाए। ये कारक चिन्ह है, यही कारक चिन्ह के आधार पे ही हम बता देंगे कि कौन सा तत्पुरुष समास है। करण से एक चीज होता है, करण से होता है के द्वारा, से या के द्वारा, तो ये भी कारक हैं। ध्यान रखिए ये आपके जो कारक चिन्ह होते हैं जो विभक्तियां होती है यही आपका विभक्तियां है। ध्यान रखिएगा एक बार फिर देखिए जीरो से, तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास क्या हो, किसे कहा जाता है? तो जिस समास का उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो और दोनों पदों के बीच लगने वाला कारक चिन्ह अर्थात विभक्तियों का लोप हो उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? छह प्रकार का तत्पुरुष समास होता है। ध्यान रखिएगा छह प्रकार कौन कौन से? तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये आपके छह तो क्या है? तत्पुरुष समास के प्रकार है। अब देखिए इसकी विभक्ति है, क
कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या है? को करण की विभक्ति है से, संप्रदान की विभक्ति के लिए, अपादान तत्पुरुष विभक्ति से, यहाँ पे अलगाव का वो देखे दो यहाँ से है, देख रहे हैं? नहीं, दो का आपका विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह समान है, लेकिन ये यहाँ देखिए यहाँ पे संबंध बना रहता है, लेकिन यहाँ पे संबंध अलग हो जाता है, टूट जाता है। देखिए संबंध तत्पुरुष में का, की, के और अधिकरण तत्पुरुष होता है में, पर इस तत्पुरुष को आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक उसको आप अच्छे से विग्रह नहीं करेंगे। जैसे हम आपको कहें, जैसे हम आपको बताएं राजा का पुत्र, जैसे देखिए लिखते हैं राजपुत्र, राजपुत्र, अब पूछा जाएगा राजपुत्र में कौन सा समास है ना, तो आप पहले उसको क्या करिए, तोड़िए, उसका विग्रह करिए। तो कह रहे हैं कि राजा का देखिए को का क्या हुआ था, लुप हुआ था, अब इसको देख करके आप बता देंगे इसमें कौन सा तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष। पहली बात इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक, कौन सा समास है तत्पुरुष समास, जब आपको ये इतना गहराई के साथ पूछ दिए इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तब आप इसमें बता दिए कि इसमें तत्पुरुष कौन सा है, संबंध तत्पुरुष, कन्फर्म होगा। जैसे कह दे रसोई घर ना, तो इसको तोड़िए, ये क्या होगा, रसोई के लिए घर, क्या आया, के लिए आया, तो कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष, कन्फर्म हुआ। जैसे कहें आप बीती तो क्या होगा, आप पर, कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष। पहली बात इसमें तत्पुरुष समास है और दूसरी बात कौन सा है सर, क्या रसोई का घर नहीं होगा, कारक हम बताएंगे तब आप विस्तृत समझिएगा। यहाँ देखिए रसोई का घर नहीं बल्कि रसोई के लिए घर होता है, ठीक। जैसे हम लिख दें, जैसे और देखिए, हाँ बिल्कुल बोलिए, बताते हैं आगे देखिएगा। जैसे हम आपको कहें, जैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे हम कहें तुलसी कृत, तुलसी कृत, अब इसको इसमें कौन सा होगा, आप इसको तोड़िए क्या होगा, तुलसी के द्वारा, के द्वारा कौन सा है, एक से का देखिएगा, जैसे कहते हैं रस भरा, अब रस भरा है तो उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, रस से भरा। अब देखिए इसमें कौन सा होगा, अपादान होगा कि करण होगा, करण होगा, क्योंकि रस से वह क्या युक्त है, रस से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम यही कह दें पदच्युत या कह दें पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट अलग हो गए हैं, अब नहीं संबंध नहीं है, अलग हो चुके हैं। जैसे हम कह दें पदच्युत, तो पद से च्युत कर दिए गए, पद से हटा दिए गए ना, तो दोनों में देखिएगा इसके और इसमें दुखी करण तत्पुरुष में और अपादान तत्पुरुष की दो कारक चिन्ह अर्थात दो विभक्ति चिन्ह सामान्य होते हैं, सामान रूप से दोनों होते हैं, लेकिन अपादान में क्या होता है, अलगाव का बोध होता है, यदि आपको साथ ही साथ जो है इसमें करण तत्पुरुष में क्या होता है, संबंध जो है कन्फर्म हुआ। जैसे कह दिया नेत्रहीन, अब बताओ कौन सा होगा, तो नेत्र से हीन, हाँ तो कौन सा होगा, अपादान, नहीं समझ आया, तो इस प्रकार से आपका समास रहा। एक बार फिर देखिएगा समास किसे कहा जाता है, तो हमने बताया कि समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहा जाता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, छोटा करना या संक्षिप्तीकरण होता है।
समास की परिभाषा हमने बताया दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बने हुए नए सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, नए बने सार्थक शब्द को ही हम क्या कहते हैं समास कहते हैं। समास छह प्रकार का, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वीप समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हमने अव्ययी भाव समास बताया, जिस समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो उसी अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा हमने बताया तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और प्रथम पद और उत्तर पद के बीच लगने वाला कारक चिन्ह अर्थात विभक्तियों का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास जो है छह प्रकार का होता है। कर्म हुआ, फिर इसके बाद हमने बताया कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और प्रथम पद और उत्तर पद के बीच लगने वाला, उत्तर पद के बीच रिलेशन क्या होता है उपमेय उपमान का विशेषण और विशेष का संबंध होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है कर्मधारय समास। हमने बताया द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच या अथवा और का लोप होता है। फिर हमने बताया आपका द्वीप समास, द्वीप समास किसे कहते हैं, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची अर्थात गिनती हो और विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं द्वीप समास। फिर हमने आपको बताया कि बहुव्रीहि समास, तो जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो और दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद या शब्द की ओर संकेत करते हैं ऐसे समास को हम क्या नाम देते हैं बहुव्रीहि समास देते हैं। कन्फर्म हुआ, ये रहा दोस्तों आपका समास। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके आप बताएं और उसका सलूशन पाएं।